सतना जिले के मेहर में मां शारदा की नगरी, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और उन्हीं मार्गों से मंदिर तक जाते हैं, जो मार्ग बेहद जर्जर और बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हुए पड़े हैं। इस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पारस नाथ तिवारी, वर्तमान कांग्रेस सरकार और प्रशासन पर खूब कोसा और कहा कि पूर्व दिनों नगर मंडल भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिस पर प्रशासन ने मात्र मेहर घंटाघर से अलाउद्दीन चौराहे तक की सड़क में लिपापोती करवा दी। इसके बाद मेहर बरही मार्ग अलाउद्दीन चौराहे से कटनी मोड़ अपनी जर्जरता पर आंसू बहा रहा है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने एक वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन चुनाव पूर्व किए गए वादे सरकार अभी तक खरी नहीं उतर पाई है। अगर समय रहते प्रशासन ने मार्गों को ना बनवाया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में मेहर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। सतना से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। जैसा कि समस्त आप लोगों को मीडिया के माध्यम से एवं सभी मैया के प्रबुद्धजन यह जानते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के मार्गदर्शन में, सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में युवा मोर्चा ने दो दो बार स्थानीय घंटाघर में धरना प्रदर्शन दिया, एक बार विशाल धरना प्रदर्शन और एक बार निर्णायक धरना प्रदर्शन के माध्यम से। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा की आवाज को प्रशासन दबाना चाह रहा है, कांग्रेस दबाना चाह रही है। मात्र गिरगिटा रोड, चाहे कटनी रोड और चाहे शारदा टॉकीज सतना रोड हो और चाहे सब्जी मंडी रोड, एक रोड बनाकर सब्जी मंडी रोड को आंखों में पट्टी बांधने का प्रयास, इस आंदोलन को दबाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।